ओके दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 2021 स्टार्ट हो चुका है और 2021 के अंदर आपको काफी नए नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको नई नई टेक्नोलॉजी और साथ ही नए नए प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप कोई नया स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं 2021 के अंदर, क्योंकि आज मैं आपको वो स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो जनवरी के अंदर आपको लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे, जिनके अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे जो 2021 के अंदर एकदम लेटेस्ट होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन होने वाला है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Mi 10 i। दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। Xiaomi कंपनी के इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने भी ये कंफर्म कर दिया कि ये स्मार्टफोन इसी महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मनु कुमार जैन ने ये कह दिया कि 5 जनवरी को इंडियन मार्केट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसका टीजर पहले ही मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर हैंडल से लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि ये स्मार्टफोन आपको 5 जनवरी के इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो आपको टीजर के जरिए देखने को मिल जाएगा कि कंफर्म हो चुका है कि स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है। और ये कैमरा आपको क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जो आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन के आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि 6GB रैम और 8GB रैम देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात हो, प्राइस अभी इसकी सामने आई नहीं है, इसकी प्राइस आपको 5 तारीख को ही देखने को मिलेगी। और जैसे ही स्मार्टफोन अगर जैसे ही लॉन्च होता है इंडिया के अंदर, तो आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को तो मिल ही जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमारा होगा सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज के बारे में भी सैमसंग ने कंफर्म कर दिया कि ये सीरीज आपको जनवरी में ही देखने को मिल जाएगी। और इस सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। दोस्तों, भारत समेत ग्लोबल मार्केट में भी ये स्मार्टफोन एक साथ ही लॉन्च होगा और इस स्मार्टफोन में आपको कॉलकॉम का एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, जो कि एकदम नया ब्रांड न्यू प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर अभी तक सिर्फ एक ही स्मार्टफोन में लॉन्च हुआ है, जो कि मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को आई बटन में जाकर देख लीजिए। ये स्मार्टफोन आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आप कुछ दिन रुक जाएं, इसकी डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जनवरी में लॉन्च होगा, ये सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है। चलते हैं दोस्तों लावा की तरफ। लावा भी दोस्तों मेक इन इंडिया के मिशन के तहत इंडिया में वापसी करने जा रहा है अपनी BU सीरीज के साथ, और ये सीरीज आपको 7 जनवरी को लॉन्च होती हुई दिख जाएगी, ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। सीरीज के तहत कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 स्मार्टफोन आपको बजट सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, जिनकी कीमत आपको 20,000 से कम देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों लावा जैसे ही इंडियन मार्केट में वापसी करता है, तो ये स्मार्टफोन कम कीमत में बेस्ट स्पेसिफिकेशन देने वाला स्मार्टफोन की लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाह रहे हैं इस 2021 के अंदर, तो जनवरी के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपका बजट इतना है कि आप सैमसंग गैलेक्सी के S21 सीरीज को परचेस कर सकते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक हैवी प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। वहीं आप Xiaomi की तरफ भी जा सकते हैं, जो आपको Xiaomi का नया स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, Xiaomi का Mi 10 i। वो स्मार्टफोन में भी आपको काफ़ी अच्छे फ्लैक्सी फीचर देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको 20,000 से कम कीमत में एक नए प्रोसेसर, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी 2021 वाली, तो आप लावा की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि एक मेड इन इंडिया ब्रांड के साथ भारत में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।